विहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, आइए हम पहले प्रश्न श्रवण करें। श्री राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है गुरु जी, श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जया विश्वास असम से बोल रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि गुरु जी, प्रियतम भाव वालों को ठाकुर जी को राखी पहनानी चाहिए या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। राखी का प्रचलन जो होता है भगवान के लिए सभी भाव में होता है, किसी भाव में वर्जित नहीं, क्योंकि वहां ये है कि हमारे प्रभु हैं। ये संसार में बहन भाई के संबंध में माना जाता है, लेकिन भगवान के संबंध में कोई भी ऐसा भाव नहीं जहां पर राखी प्रतिबंधित हो। हमारे सर्वाधिक प्रभु ही अपने हैं, वास्तव में तो उनके अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो अपना प्रेमोपहार जैसे कोई अभिव्यक्त करे, उसी प्रकार से हम अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, इस कारण से उनको राखी पहना सकते हैं, चाहे संबंध कोई भी आपका हो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि मेरा प्रियतम भाव वालों को ठाकुर जी की जन्माष्टमी कैसी मनानी चाहिए, कृपया अनुग्रह कीजिए और बताइए। श्री राधे राधे महाराज जी। अब ये सहचरी भाव में ऐसा माना जाता है कि हमारे प्रभु, हमारी राधा रानी अजन्मा हैं और नित्य किशोर हैं। नित्य किशोर और अजन्मा, अजन्मा का मतलब पहले भी थे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या आप भागवत जी को नहीं मानेंगे? चलो आपकी इस बात को हम मानते हैं सही, लेकिन भागवत तो आपको मानना पड़ेगा जो सुखदेव जी के द्वारा बोला गया है। तो उसमें तो यही लिखा है कि भगवान का प्राकट्य हुआ, नंद बाबा के घर आए, बालक बन करके रहे, कारागार में प्राकट्य हुआ, लेकिन वसुदेव जी महाराज पहुंचा गए नंद बाबा के यहाँ। तो बेटा तो नंद के ही बन के रहे और धीरे धीरे सब रहस्य खुला। किंतु ये स्वीकार किया जाता है कि प्राकट्य हुआ, शिशु लीलाएं हुई उनकी। अब किशोर वह कि नित्य किशोर भगवान है, सहचरी भाव में माधुरी भाव में आप मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन माखन चोर को क्या आप नहीं मानोगे? माखन चोर को भी तो मानना ही पड़ेगा। तो उनका जन्म होता है, तो जब उनका जन्म होता है ये सुखदेव जी कह रहे हैं, और राजा परीक्षित खुद उनके परिवार के ही थे एक प्रकार से, और बहुत से ऋषि लोग बैठे सुन रहे थे, असत्य की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो प्रभु का प्राकट्य होता है जिसको जन्म कहा गया, तो वे भले ही आपके प्रियतम हों, लेकिन जन्म तो उनका हुआ ही। अब जैसे संसार में किसी का पति कोई हो तो क्या उसका जन्म कभी नहीं हुआ? जन्म तो हुआ। ऐसे ही हमारे प्रभु लीला करने के लिए ही मान लो सही, लीला दोनों प्रकार की है उनकी, एक तो लीला है आविर्भाव की, प्राकृति की, जन्म की, और वो भी लीला है कि नित्य किशोर भी वो अपने को दिखाते हैं। तो बस दोनों में एक अंतर होता है, अवतार काल में जब प्राकट्य होता है तो सर्वसुलभ होते हैं वो, सर्वसुलभ। भले ही उनको पहचाने नहीं कोई, लेकिन कंधे पर हाथ रख करके एक चरवाहा भी घूम लेता है और कोल भील भी घूम लेते हैं, राक्षस लोग भी लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। किसी के लिए कहते नहीं कि हम तुमको नहीं दिखलाई पड़ेंगे, सबको दिखलाई पड़ेंगे। अब सहचरी भाव में यह है कि सबको दिखलाई नहीं पड़ते हैं, किसी का अतिशय प्रेम हो तो दिखलाई पड़ते हैं, वो भी बहुत
जैसे कंजूसी के साथ दिखलाई पड़ते हैं। ये नहीं कि भरपूर देख लो आप, जितना उनकी इच्छा होगी या जितना समझते हैं उतना ही दिखाई पड़ते हैं। अब प्रभु का प्राकट्य जब अवतार काल में होता है तो सर्व सुलभ, ये अवश्य है कि सबको पता नहीं चल पाता कि ये भगवान ही हैं। अक्रूर जैसे महान भगवत भक्त और सेवक को भी जब भगवान ने बताया तब पता चला कि भगवान है। तो दोनों ही उनकी लीला है, जन्म भी और अजन्मा भी, दोनों उनकी लीला है, इसलिए आपको दोनों मानना पड़ेगा। राधे राधे। गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। बनारस से दिनेश चंद यादव, उम्र 50 वर्ष, पिछले 25 वर्षों से मंगल व्रत रहता हूं, जो हनुमान जी की कृपा से हो पा रहा है। आपके पिछले मार्गदर्शन से हमें आध्यात्मिक निर्णय लेने पर लाभ हो रहा है। तब से मैं हनुमान जी से गुरु भाव और प्रभु श्री राम जी से दास भाव रखता हूं और उन्हीं का सुमरण करता हूं। सुमरण और प्रभावी करने हेतु कुछ जिज्ञासा मन में हो रहा है, जिसका समाधान करने की कृपा प्रदान करें। पहला प्रश्न है गुरु जी, मैं पद्मासन में अधिक समय तक बैठ नहीं पाता हूँ, इसलिए सुखासन में बैठता हूँ और इसमें भी 25 से 30 मिनट ही बैठ पाता हूँ, पैर में दर्द होने लगता है, तो क्या करें, कैसे इस समय को बढ़ाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। आसन में बैठना जप में सहयोगी है, सर्वाधिक सहयोगी है योग मार्ग में। इसको योग मार्ग में अभ्यास करना है, ऊर्ध्वरेता बनने का प्रयास करना है, उनको एक आसन की दृढ़ता आवश्यक होती है। लेकिन प्रेम के मार्ग में ये बहुत जरूरी नहीं होता है। प्रेम के मार्ग में दृढ़ आसन बहुत जरूरी नहीं होता, महत्व तो है लेकिन सर्वाधिक महत्व नहीं है। मैंने खाकी बाबा का चरित्र 30 भाग में सुनाया था, आप लोगों ने सुना होगा तो याद आ सकता है। लक्ष्मण शरण जी के पास भेजा गया था उनको, और वो जा करके देखे कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, और पहले से बोल दिए लिंगोटी वाला जो आ रहा है इसको पैर मत छोड़ने देना मेरा। और जब वो पास में पहुंचे तो उनको रोक दिया गया, छूना नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोलेगा अच्छा उठा नहीं जा रहा, थोड़ा हाथ लगा दो। तो जब वो हाथ लगाए तो खाकी बाबा, उस समय 16 साल के बालक थे लेकिन साधु थे, उन्हें दिखलाई पड़ा कि ये बुढ़ा जो लेटा हुआ था वो बुढ़ा है ही नहीं, वो तो एक किशोरी है, किशोरी है वो, और अति सुंदर श्रृंगार और बहुत कोमलांगी और बड़ी सजी धजी और बड़ी सुंदरी। और वो जब पकड़ करके उठाने लगे तब ये रूप प्रकट हुआ, पहले ये रूप नहीं था। जब उठाने लगे खाकी बाबा तब देखे, तो उन्हें लगा कि बड़ा भारी अपराध हो गया मुझसे, मैंने किसी स्त्री को छू दिया, और बड़ी जोर से चिल्लाए, भागे वहां से। और जिन्होंने भेजा था उनको जाके बहुत नाराज होकर कहा आपने कहाँ भेज दिया हमको, बड़ा शब्द बोला था और मैं बोलना नहीं चाहता हूं, वहां तो मैंने सुना दिया था आपको। तो ये क्या प्रश्न था इनका। तो आप बताओ वो लक्ष्मण शरण जी कौन से आसन में बैठे हुए थे, वो तो चारपाई में लेटे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, लेकिन जब खाकी बाबा ने उनको उठाने की कोशिश की हुक्का गायब, बूढ़ा बाबा गायब, एक सुंदरी सी किशोरी दिखलाई पड़ी सखी, और वो कमरा भी गायब हो गया महाराज। वहां तो नित्य निकुंज और कुंज ये सब दिखलाई पड़ने लगे। तात्पर्य ये कि जहां प्रेम सर्वोपरि होता है वहां योग मार्ग भी शिथिल पड़ जाता है, प्रमुखता प्रेम की रहती है, ज्ञानी भी प्रेम में डूब जाता है। सुखदेव जैसे ज्ञानी जिनकी आत्मा वृक्षों में भी जाकर शुको हम की आवाज करती है, वो सुखदेव भी गोपियों के प्रेम रस में निमग्न हो जाते हैं। उड़िया बाबा का चरित्र मैं आजकल सुना रहा हूं, परम ज्ञानी वीतराग परमहंस ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन वृंदावन में तो
एकदम रस में डूबे रहते थे। और ऐसे ही जो आसन है ना योग मार्ग में या प्रारंभ में साधना के प्रारंभ में, इनकी आवश्यकता पड़ती है साधक को परिपक्व बनाने के लिए। लेकिन जब परिपक्व साधक प्रेम में बिल्कुल द्रवीभूत हो चुका होता है तब उसे आसन का पता नहीं रहता कि वो कौन से आसन में बैठा है। साधना काल में इनकी आवश्यकता होती है। तो जो सहचरी भाव में सिद्ध हो गया या माधुरी भाव में प्रभु की कृपा से उसको लाभ प्राप्त हो गया, रस में डूबा हुआ है, वात्सल्य भाव में ही चाहिए वो, कोई कम नहीं है। यशोदा वाला भाव वात्सल्य भाव है, दाऊ जी का सख्य भाव है, जिस रस में पूरा का पूरा निमग्न हो गए वहां योग मार्ग पीछे रह जाता, क्योंकि योग का जो फल है वो प्राप्त हो गया, योग का फल प्राप्त हो गया। जब फल प्राप्त हो गया तो फिर पीछे क्यों फूल बनना चाहेंगे वो। तो योग प्रारंभ में आवश्यक होता है और जब उसके परिपाक में पहुंच जाते हैं तब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी कि भजन करते हुए दोनों नेत्र खुले नासिका के अग्रभाग पर राम नाम को लिखते हुए देखते हैं, ऐसा कितने समय तक प्रतिदिन करने से ज्यादा लाभ होगा, कृपया बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। ध्यान कर लिए होता है नासिकाग्र पर दृष्टि रखना, दिशश्चान अवलोकयन प्रशांत आत्मा ब्रह्मचारी व्रते न रहा। तो ये जो है ध्यान के लिए आवश्यक होता है, लेकिन आप एकाग्रता के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लेखन के समय या जप के समय आप नासिकाग्र दृष्टि और समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम त्वम, संप्रेक्ष नासिकाग्रम त्वम दिशश्चान अवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी भृते स्थित, ये छठे अध्याय गीता जी में। तो ध्यान के लिए या एकाग्रता के लिए इसका अभ्यास होता है। और जब प्रभु की कृपा से आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाएगी, रोमांच होने लग जाएगा, प्रस्वेद झरने लग जाएंगे और आप प्रेम विभोर हो जाओगे, तब इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी यह तो प्राणायाम भी अभी कर सकते हैं, आसन से भी बैठ सकते हैं, नासिकाग्र दृष्टि भी कर सकते हैं, श्वासों पर भी ध्यान लगा सकते हैं। ये साधक के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ती है। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी कि ध्यान में दोनों नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र में श्री राम के नाम को देखें या उनकी छवि को देखें, किससे ज्यादा लाभ होगा। हमारी इच्छा है कि प्रभु श्री राम का नाम या उनकी छवि बंद आंखों से साफ साफ दिखे, इसके लिए हम उनको क्या विनय सुनाएं या हम उनको कैसे भाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे गुरु जी। पहले तो आप नाम का ही ध्यान करिए, बहुत देदी पिमान चमचमाता हुआ प्रभु का नाम लिखा हुआ, उसी का राम नाम का या प्रभु के जो नाम पर आपका विशेष प्रेम है, हृदय में ध्यान करिए विशुद्ध चक्र में, फिर आज्ञा चक्र में ले आइए, भ्रिकुट मध्य में आज्ञा चक्र, वहां ला करके नेत्र बंद करके प्रतिभा से संपन्न एकदम जाज्वल्यमान और बहुरंग विभूषित जो राम नाम है उसको आप भ्रिकुट मध्य में आंख बंद करके ध्यान करो, और इसके बाद फिर आप रूप का ध्यान करो, नाम के बाद रूप का ध्यान चालू कर दो। रूप का ध्यान करते करते जब आंख बंद किए रहने पर आनंद मिल रहा है तो आप आंख खोल करके भी करो कुछ देर, लेकिन आंख खोलने के बाद दूसरी चीज आंख के सामने वाली मत देखो, वही जो ध्यान में चल रहा था वही देखने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि कोई याद आ रहा है सामने वाला वो दिखलाई पड़े हो, सामने आते रहते हुआ व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, भले ही आंख खुली हो तब ठीक लग रहा है, और जब सामने वाला आने जाने वाला दिख रहा है तो आंख बंद करके ही करना ज्यादा अच्छा होता है। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ।
इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं श्री राम जय राम जय जय राम का मानसिक जप करता हूं और प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करता हूं, तो क्या मुझे राम नाम का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना चाहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना चाहिए? इस दोनों में से विशेष कृपा किससे प्राप्त होगी बताने की कृपा करें श्री राधे राधे। श्री राधे, अभी आप जो कर रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम बोलते हुए शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं प्रेम से, तो वो उनको सुनने में आनंद विशेष आता है, इसलिए वही चालू रखिए आप राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, क्या हमें मंदिर के पुजारी जी को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए श्री राधे राधे? हाँ भाई, ये तो कल प्रतिदिन करने का है, इसमें क्या संदेह है। वो भगवान के मुख्य सेवक हैं, तो भगवान ने उनको अपने पास रखा है, इसलिए वो प्रणम्य है, क्योंकि हमको तो वो सौभाग्य मिला नहीं, तो वो हमसे बड़े हुए राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी, गुरु जी कभी मन में राम राम का जप होता है तो कभी श्री राम जय राम जय राम का, मन एक जगह नहीं टिकता, कभी कहता है कि इस तरह जपने से विशेष कृपा होगी तो कभी कहता है कि उस तरह जपो तो कृपा होगी, मैं क्या करूं, इसका समाधान करें गुरु जी श्री राधे राधे। आप पहले इस बात को समझ लीजिए कि भगवान राम का ही नाम वो है, चाहे आप श्री राम जय राम बोलो, चाहे राम राम बोलो, या और किसी प्रकार से बोलो। अब आप उसको ये घुमा फिरा के जपेंगे तो उसमें कम या ज्यादा की कोई शक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रभु का ही नाम तो वही नाम जप रहे हैं आप। आप अपने भाव से प्रेम की वृद्धि के लिए या आनंद के लिए चाहे जैसे जपें, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, फल बराबर ही है राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, मेरा आपके चरण में दंडवत प्रणाम है। मेरा नाम आरती है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, मैंने हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने का नियम लिया था, जिसमें मैं रोज 10 पाठ कर रही थी। अब 80 पाठ पूरे हो गए, किंतु तभी हमारे बिल्कुल खास परिवार में तो नहीं पर कुनबे में दादी माँ लगती उनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या मुझे अब नियम पूरा करना चाहिए या नहीं? क्या मुझे उनका फल मिलेगा जो मैंने 80 पाठ किए थे, या मेरे व्यर्थ चले जाएंगे? घर वाले बोल रहे हैं कि पूजा पाठ और भगवान की आरती कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी पूजा पाठ लगेगा नहीं, किंतु लड्डू गोपाल की सेवा तो हम कर रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें श्री राधे राधे। अरे भाई, ये भ्रम है एक प्रकार का, और ये कार्यक्रम भ्रम निवारण का चल रहा है, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अरे दुनिया का कोई भी रिश्ता अपना सगा नहीं होता है, तो आप बहुत दूर के रिश्ते को आप सगा मान के बैठ गए, भगवान को सगा नहीं मान रहे हो। इसमें तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है कि भगवान को आप सगा नहीं मान रहे और दूर दूर तक के रिश्ते को अपना आप मान रहे हो। ये जो रिश्ते हैं, इस तरह से आप उलझोगे तो भक्ति में पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। अब आप विचार करिए, हम में से कोई भी हो, क्यों आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कि किसी के सूतक ऐसा लग जाए जो वहां के रिवाज के अनुसार मान लो 13 दिन के लिए हो गया, तो अब 13 दिन आपने भगवान की भक्ति बंद कर दी, और 13वां दिन आते आते कहीं अपना ही टाइम आ जाए तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो गया। हम तो भजन से हीन रह गए हैं। और मान लो और कहीं रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई, फिर अगला 13 दिन फिर चालू कर दोगे, तब तो फिर 13 दिन वाले कार्यक्रम में भगवान की भक्ति से बिल्कुल हीन हो जाओगे। इसलिए इसमें किसी की सलाह मत मानो, जो आपको भक्ति से हीन करना चाहता उसकी सलाह मत मानो। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि धर्म है, सर्वोपरि कर्म है, सर्वोपरि जिम्मेदारी है, जीवन का लक्ष्य है, और सब चीजें बहुत तुच्छ हैं इसके सम्मुख। इसलिए आप चाहे छिपा करके करो भक्ति, छिपा करके पाठ करो, छिपा के ध्यान करो, जप करो, लेकिन करो जरूर। किसी की सलाह मत मानना कि नहीं करना चाहिए, उस सलाह को मत मानो। आपको भक्ति करनी है, जैसे छोटे बच्चे को किसी प्रकार से सुख सुविधा खान पान से वंचित आप नहीं करोगे,
यदि कोई कहे कि नहीं नहीं खाना पीना ऐसा करना मना है तो आप बच्चे को जरूर खिलाओ, भगवान के साथ वात्सल्य भाव जोड़ लो, कहे को बंद करोगे? तो कैसा भी सूतक लगे, कैसा भी अमंगल हो, संसार की प्रत्येक परिस्थिति भगवान से बहुत छोटी होती है। इसलिए भगवान को नहीं छोड़ना है, संसार को छोड़ना है। संसार के रिश्ते ही खत्म कर दो, त्याग दो व्यवहार, जिसको बुरा भला कहना हो कह ले, दो कह दो हमारा तो रिश्ता केवल ठाकुर जी से है, ठाकुर जी के अलावा किसी से कोई हमारा रिश्ता नहीं, हम केवल भगवान को मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं, बस खत्म हो गए सब सूतक। जब कोई अपना ही नहीं तो सूतक का है। राधे राधे। श्री राधे राधे। बाबा मुझे ये पूछना था कि आपने कल की प्रश्नोत्तरी में एक आंसर दिया था जिसमें आपने कहा था कि इंद्रियां जो है वो हमारे साथ जाती है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो आंखों के गोलक या स्पर्श वाले जो होते हैं जितने भी त्वचा जो भी होती है वो सब साथ में जाते हैं ऐसा कुछ। तो बाबा मैं ये पूछना चाहती थी कि जो हम अभी भजन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव चेंज हो जाए, हमारे चित्त पे जो है वो छाप जो पहले की लगी हुई है वो चेंज हो, तो क्या हम इस जन्म में ये जो भजन जितना कर रहे हैं उसे इतना प्रभाव पड़ जाएगा कि जन्मों जन्मों के जो ये चित्त पे प्रभाव पड़े हुए हैं वो चेंज हो जाएंगे? श्री राधे। ये कुछ राधे राधे। इंद्रियों के गोलक नहीं, इंद्रियों का सूक्ष्म तत्व जाता है, ठीक है? जैसे ये जो आई है जो दिखलाई पड़ रही है आंख, ये नहीं आती, लेकिन उसके अंदर के जो देखने की शक्ति है चक्षु इंद्रिय, उसको बोलते हैं चक्षु इंद्रिय, और ये श्रवण इंद्रिय। तो कान तो नहीं जाता, कान तो जल जाएगा, लेकिन सुनने की शक्ति जाती है। तो ये सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का सूक्ष्म स्वरूप, ये मरणोपरांत जीव के साथ चला जाता है और उसी हिसाब से फिर से वो अपना शुरू कर देता है कार्य। मन भी जाता है, इंद्रियों का राजा है मन, पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां पर ग्यारहवां है मन, वही मन रूप दो चार रूप धारण करता है, मन बुद्धि बन जाता है, वही मन बुद्धि बन जाता है, वही मन अहंकार बन जाता है, और वही मन चित्त बन जाता है। जब चेतना तीव्र होती तो चित्त बन जाता है, जब लौकिक समझ उसकी तीव्र होती तो बुद्धि बन जाता है, जब मननीय गुण सर्वाधिक होता है तो मन बन जाता है, जब सब बुद्धि नष्ट हो जाती अपने को अभिमान में ले आता है तो अहंकार बन जाता है। तो ये जहां जाता है यदि वो बिगड़ा हुआ बहुत आया है तो उसको सुधरने में टाइम लगता है, और पहले से सुधर गया मरने के पहले ही सुधर गया तो फिर जहां पहुंचेगा वहां सुधरा हुआ जन्म से ही रहता है, वो जन्मजात भक्त हो जाता है, वो जन्मजात भक्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको सुनाया है संतों का चरित्र कि वो आंख अधखुली रहती थी बच्चे की, तो किसी को देखना ही नहीं चाहते थे, क्या आंख बंद रखते थे। और कार्तिकेय जी का मैंने सुनाया था ना, 5 साल तक बोले ही नहीं, वो लोग समझते थे गूंगा है। और जब एक संत ने कहा मैं पता करूंगा तो उन्होंने पता किया, सबको हटा दिया, फिर वो दंडवत किया, संत ने कहा बोलो महाराज आप बोलते क्यों नहीं, तो बोले पशुओं से क्या बोले। कार्तिकेय जी ने कहा पशुओं से क्या बोले, जो पशु प्रवृत्ति होती है, पशु मतलब चार पैर वाला नहीं, जो चार पैर के पशु की प्रकृति होती है वही प्रकृति यदि मनुष्य की है तो मनुष्य पशु जैसा है। और फिर उसके बाद उन्होंने महात्मा जी ने कह दिया ये बोलेंगे नहीं लेकिन ये गूंगे नहीं है, जब इनकी इच्छा होगी किसी को योग्य समझेंगे उससे बोलेंगे। तो ये सुधार हमको इसी जीवन में करना है, प्रकृति अपनी चेंज करनी है, अपने इंद्रियों को चेंज मतलब इनकी दिशा बदलनी, मन को भी भगवान की तरफ लगा देना। इसका फायदा यह होगा कि हमारा जन्म जब होगा अगली बार तो हम जन्मजात भक्त होंगे, जन्मजात भक्त होंगे, क्योंकि ये सब प्योरीफाई करके ले जाएंगे,
सबका शोधन करके शुद्ध करके हम लेकर जाएंगे। बुद्धि हमारी भगवान में लगी होगी, मन भगवान में लगा होगा, चित्त ठाकुर जी के चिंतन में लगा होगा, अहंकार यही होगा कि हम ठाकुर जी के हैं और किसी के नहीं, बस ये अहंकार होगा। और भगवान का दर्शन करना आंख यही चाहेगी, केवल ठाकुर जी को देखना, भगवान की कथा सुनना कान यही चाहेगा, और भगवान को स्पर्श करना, फूल माला सूंघना उन्हीं की, ऐसे एक एक इंद्रियों की जो विषय है ना, वो सब साधना करते करते जब अभ्यास बन जाएगा तो अगले जन्म में जन्म जात ये सब गुण हमको प्राप्त होंगे, तो बहुत अच्छा जन्म होगा। इसलिए भगवान ने कहा एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, हे अर्जुन एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, ऐसा जन्म इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा जन्म जो एक योगी के रूप में एक भक्त के रूप में जन्मजात होता है बड़ा दुर्लभ होता है, इसी के लिए साधना की जाती है। श्री राधे राधे, श्री राधे बाबा दंडवत प्रणाम। कि बाबा अगर हमारा है ना जैसे पूर्ण रूप से तो मन बाबा लगता ही नहीं है बिहारी जी में, तो वो फिर कैसे हमारा काम बनेगा? चालू करो, अब इस बात को समझो, तुम्हारा मन बिहारी जी में एक बार लगा, उसके बाद जयपुर पहुंचा, फिर दोबारा फिर बिहारी जी में आया, इसके बाद बनारस पहुंच गया, इसके बाद फिर बिहारी जी में आया, फिर दिल्ली पहुंच गया, इसके बाद फिर आया बिहारी जी में, उसके बाद बंबई पहुंच गया। तो सबके जितने इन सब की बातें हमने बताई, उन लोगों के एक एक वोट रहे, एक एक वोट उनका रहा, और बिहारी जी का 10-15-20-25 वोट हो गया, और सबका एक एक, तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, बिहारी जी जीत जाएंगे। इसलिए तुम लगी रहो, बिहारी जी में ज्यादा तुम्हारा ध्यान आ रहा है, और जगह का जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी महत्व नहीं, महत्व बुद्धि केवल ठाकुर जी के लिए रहेगा, जहाँ की महत्व बुद्धि वहीं की विजय हो जाएगी। श्री राधे राधे, राधे राधे गुरुदेव जी, गुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी एक प्रश्न है, काफी दिनों से ये मन में चलता है कि जब भी मैं भगवान की सेवा में होती हूँ, सुबह कर रहे होते हैं आरती या संध्या की आरती या कीर्तन, तो जैसे ही आरती उठाना उठाती हूँ और करना शुरू करती हूँ तो मुझे उबासी आना शुरू होती है, उबासी आनी आती है, जितने कीर्तन भी हो रहा होता है उसमें बीच बीच में उबासी आती है, पूरे दिन एकदम एक्टिव और सब रहते हैं, नहीं आता। लेकिन यही क्यों वजह है कि जैसे ही पूजा करने बैठ रहे हैं या आरती करते हैं वैसे ही उबासियां क्यों आती हैं? क्या था अभी इसका एक प्रश्न? चलो इनका पहले हम बता दें, अभी एक और पूछ रही थी। उबासी मतलब जमाई, जमाई आती। जब आपको अपने कमरे में सफाई करनी होगी तभी तो कूड़ा निकल के बाहर भागेगा, झाड़ू नहीं चलाओगे तो कूड़ा क्यों निकल के भागेगा? तो कूड़ा निकल के भागता हुआ देखने दिखलाई पड़ता है, इसका मतलब सफाई अंदर बढ़िया हो रही है, तो निश्चिंत हो जाओ। सफाई अंदर खूब बढ़िया हो रही तभी कूड़ा निकल निकल के भाग रहा है, आनंद की बात है। उत्साह मत भंग करना, ये समझ लेना कि ठाकुर जी अंदर सफाई अपनी जगह बना रहे हैं। क्या पूछ रही थी तू? श्री राधे बाबा, बाबा तो इतना समय हो गया है लेकिन बाबा मन की तो ऐसी स्थिति है कि मन का फिरता रहेगा, बैठे हैं आसन पे लेकिन मन पता नहीं कहाँ जा रहा है। बाबा कब तक करेंगे बाबा ये सब चीजें? अच्छा ये बताओ, तुमको भूख लगी हो खूब, अब भोजन मिल जाए तुम्हारी पसंद का, अब तुम बातचीत चाहे करो, चाहे कहीं की चर्चा करो, चाहे कहीं का ध्यान करो, अब बढ़िया भोजन मिला है तो पेट भर जाएगा कि नहीं उसको खाने से? भोजन का ध्यान मत करो, ये मत देखो कि कैसा कैसा भोजन है, लेकिन भोजन भरपेट कर लो, तुम जितना खाती हो उतना पूरा खाओ, अब आनंद के साथ पेट भर जाएगा, बड़ा बाद में कहोगे बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा रहा भोजन, लेकिन भोजन के समय बातचीत भी करते रहे,
हर जगह की बातें भी करते रहे और भगवान की भी चर्चा करते रहे, क्योंकि भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं इसलिए भगवान की भी चर्चा करते रहे, और कहीं की बात आ गई वो भी चर्चा करते रहे। और बाद में क्या रिजल्ट बताओगे, आज तो बड़ा मजा आया, खाने का स्वाद खूब आया, पेट भर गया, लेकिन एक भी भोजन का ध्यान नहीं किया, भोजन का ध्यान नहीं किया और पेट भर गया। क्यों भर गया? मन लगाए क्या उसमें? मन तो नहीं लगाए, अपने को लगाए रखे उसमें, ठीक है। ऐसे ही मन के पीछे पढ़ोगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, मन के पीछे मत पढ़ो, मन के पीछे पढ़ोगे तो टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि बार बार निगेटिव थिंकिंग आ जाएगी। केवल तुम जुड़े रहो, तुम सक्रियता के साथ लगन के साथ भगवान में जुड़े रहो, तो निश्चित ही तुम्हारी विजय हो जाएगी। अब मन की ओर बार 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 ध्यान ले जाओ, वो मन कटौती करता जाएगा, कटौती करता जाएगा, इसलिए उसको कटौती करने का मौका ही नहीं दो। केवल तुम भगवान से जुड़े रहो तो निश्चित ही तुम्हारी विजय हो जाएगी, क्योंकि भगवान से तुम जुड़े हुए हो। और तुम्हारा ध्यान मन की ओर डाइवर्ट होता गया, वो बदमाश है, वो पिछले जन्मों का बिगड़ा हुआ, वो तुम्हें अपनी ओर खींच ले जाएगा। इसलिए मन के चक्कर में पड़ो ही नहीं, तुम केवल भगवान के चक्कर में पड़ो, बस काम हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।